हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुभम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप आफ्टर डिलीवरी अपना वेट लॉस नहीं, सिर्फ पेट की बात आज मैं करूँगी कि आप अपना ओवरऑल पेट कम कैसे करें। देखिए, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो ओवरऑल बॉडी का तो फैट कम हो ही जाता है, लेकिन सबसे जल्दी फैट होता है हमारे पेट के आसपास का, जिसको मैंने भी झेला है और वो नहीं जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ तीन चार चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जिसको मैंने पर्सनली यूज़ करके या ट्राई करके अपना पेट का फैट कम किया है। आई थिंक आप ऊपर पिक्चर देख रहे होंगे कि जब मेरी डिलीवरी हो गई थी उसके 9 महीने तक लोग ये सोचते थे कि मेरी डिलीवरी नहीं हुई है, यानी इतना ज़्यादा पेट मेरा निकला हुआ था और ओवरऑल बॉडी पे फैट था, लेकिन पेट इतना ज़्यादा निकला हुआ था कि डिलीवरी नहीं हुई थी। और मैं ऐसे डू और डोंट से बताऊँगी कि ये चीज़ मत करिएगा, मैंने की थी लेकिन आप लोग मत करिएगा, और मतलब कोशिश करके उसे अवॉइड करिएगा। एंड देन जो चीज़ मैं बताऊँगी भी करिएगा, तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फैट है पेट पे वो चढ़ेगा नहीं उतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में, दूसरा जो चढ़ गया है वो भी बहुत ईजी वे में उतरेगा। तो पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कोशिश करिए कि जब आप प्रेग्नेंट हो, यानी जब आपका पेट काफ़ी हैवी हो, आप पूरे इन 9 महीने में अपना जो पैंटी है वो आपको पहनना ही पहनना है, ये मत सोचिए। और हाँ, नॉर्मल पैंटी नहीं पहनना है क्योंकि उससे आपको दिक्कत होगी। प्रेगनेंसी की एक पैंटी आती है, अगर मुझे लिंक मिल जाएगा तो मैं नीचे डाल दूंगी, वो पर्टिकुलर उसी के लिए होती है और मतलब कि काफ़ी ऊपर तक होती है, यहाँ तक आप पहनोगे। और जिनकी आदत नहीं होती है विदाउट पैंटी रहने की तो वो पहनते भी हैं, जैसे 9 महीने मैंने पूरी पहनी ही पहनी है, लेकिन कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से पेट जो है नीचे की साइड में थोड़ा ज़्यादा निकल आया था, लेकिन आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ कह रही हूँ। एक आती है या एक बेल्ट आती है नीचे के साइड में, आप अगर मैं उसका लिंक मिलूंगा तो वो भी मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक डिलीवरी वाली आपको मतलब प्रेगनेंसी वाली आपको पैंटी या फिर बेल्ट लगानी है, उससे जो आपका नीचे का पेट है, एब्डोमिनल एरिया है, वो नहीं निकलेगा। फर्स्ट चीज़ ये है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आफ्टर डिलीवरी आपको क्या करना है, जब आपका बच्चा हो जाए, वो चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, आपको पानी नहीं पीना है 3 दिन तक। तो अगर आप पानी पियोगे तो अजवाइन को गर्म करके उसे बॉयल करके अजवाइन वाटर बना के, ये मैं आपको दादी नानी वाली चीज़ें बता रही हूँ जिसे मैंने नहीं ट्राई किया और कोशिश करूँगी कि आगे मैं इसे ट्राई करूँ अपने नेक्स्ट बेबी में। तो उस पानी को आपको आधा कप करके पीना है, ये नहीं कि बस गटर करके दे एक ग्लास पी गए, हाफ कप आपको वो पानी पीना है। जब भी आपको प्यास लगे अवॉइड करिए, मतलब 3 दिन में कोशिश करिए, क्योंकि मैंने पिया था, मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं 3-3 लीटर पानी पीऊँ और मैं नहीं पी रही थी तो मुझे डांटी थी। अब मैं इस चीज़ को ध्यान रखती हूँ और सोचती हूँ कि मैंने गलती की, तो आपको पानी नहीं पीना है। और अगर आप पानी पियोगे तो आपकी नसों में पानी चला जाएगा, जिसकी वजह से पेट जो है मेरा बहुत टाइट था 9 महीने तक। उसके बाद मेरी नानी यानी कि मेरे हस्बैंड की नानी ने मुझे एक पोटली बताई थी, उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिनका पेट निकल गया है, जिन्होंने पानी पी लिया है, उनके लिए भी इलाज है, मैंने किस तरह से अपना वो जो निकला हुआ पेट या नसों में पानी चला गया था मैंने किस तरह से अंदर किया है, उस पोटली के थ्रू किया है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पानी नहीं पीना है, और 6 महीने तक आपको अजवाइन वाटर ही पीना है, अजवाइन को बॉयल करके उसका पानी रखें। भी पानी आप पियेंगे, गुनगुना ही पानी पियेंगे, अजवाइन वाटर ही पियेंगे आप कुछ 6 मंथ तक अजवाइन वाटर पीना, इससे आपके जो पेट का फैट है ना वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा नहीं इस चीज़ से। एक तो आपको ये चीज़ करनी मतलब ये जो पानी पीने वाला है ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरे 9 मंथ जो है पैंटी पहनी है, फर्स्ट और नॉर्मल 1-2 महीने तो नॉर्मल जो आप रेगुलर रहते हो वो पहनते हो, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी वाली पैंटी पहननी है, और मीडियम साइज लार्ज साइज आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिस सबका लिंक मैं नीचे देखूंगी, अगर मुझे मिलेगा मैं सर्च करूंगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पेट कम करने के लिए क्या करना ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आफ्टर डिलीवरी जो है मॉर्निंग में उठोगे और सुबह आपको क्या करना है, मेथी एक मॉर्निंग ब्रेक आप सब लेते हो और लेना भी चाहिए, तो आपको मेथी को रात में 1 चम्मच भिगो देना है, सुबह एक उसे बॉयल करना है, इतना बॉयल करना है, 1 कप में भिगो, 1 ग्लास में भिगोना है, इतना बॉयल करना है कि वो हाफ हो जाए, तो वो पानी आपको पीना ही पीना है, इससे भी आपका स्टोमक बहुत जल्दी जाएगा, अंदर जाएगा ही जाएगा।
और दूसरी बात चीज मैं करूँ तो मतलब ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक हो गया, मॉर्निंग और रात के ड्रिंक की भी मैं बात करूंगी कि आपको रात में कौन सा ड्रिंक लेना है। तो मॉर्निंग ड्रिंक में आपको ये करना ही करना है कि एक मेथी वाटर वाला जो है वो आपको करना ही करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में गर्मी रहेगी और आप जो अपने बेबी को मिल्क पिला रहे हो वो भी आपके मतलब कि उसमें भी ठंडापन नहीं रहेगा, तो बेबी को आपको वो सूटेबल रहेगा। तो ये चीज़ आपको करनी करनी, मेथी वाटर आपको लेना ही लेना है अगर हो सके। जैसे कि जिन लोगों को पानी से दिक्कत है वो इसे अवॉइड करेंगे, वरना आपको अदरक का जूस एक स्पून निकाल के उसे उस मेथी वाटर में मिला के पीना है। तो ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक हो गया है। और पाइल्स की दिक्कत वाले प्लीज अदरक को स्किप कर दें, वो नॉर्मल मेथी वाटर लें। उसके बाद दूसरी चीज़, जिनको भी नॉर्मल डिलीवरी हुआ है वो पेट की मसाज करेंगे ही करेंगे, आई थिंक ये सबको पता है। सिजेरियन वाले नहीं करेंगे, सिजेरियन वाले एक काम करेंगे वो बेड हॉस्पिटल से ही लगाना स्टार्ट कर देंगे। और बेड का मेजरमेंट मैं बताऊँ, मैंने गलत लगाया था, मेरी नर्स ने मुझे, सिस्टर ने मुझे गलत बता दिया था। जितना आपका ब्रेस्ट का साइज़ हो आपको उतना उतनी ही साइज़ का, जैसे कि मान लीजिए आपका 32 है तो आपको 32 साइज़ की बेल्ट लगाना है, और 34 है तो आपको 34 साइज़ की बेल्ट लगाना है। तो ये मेजरमेंट ध्यान रखिएगा। अगर इस मेजरमेंट आपने मान लीजिए आपकी 34 ब्रेस्ट है और आपने 36 लगा लिया तो पेट अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए आप बेल्ट लगाओगे। तो कोशिश करके फर्स्ट ऑफ ऑल जितना 32 है तो आप 32 की बेल्ट लगाओगे, फिर धीरे धीरे 30 पे आओ, फिर धीरे धीरे 28 पे आओ, तो इस तरह आपका बेल्ट का साइज़ कम होगा। और एक बेल्ट मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वही बेल्ट लगाइएगा। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप बेल्ट लगाना नहीं प्रेफर करते हो, कुछ लोग बेल्ट लगाना नहीं प्रेफर करते हैं, और ये कोशिश करिए कि रात सुबह आप उठिए बेल्ट लगा लीजिए, पूरे दिन लगाए रहिए, देर रात में जब आप खाना वाना खा के सोने चाहिए तब आप बेल्ट निकालिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप देखते होंगे कि एक फॉयल आती है, प्लास्टिक रैप जिसे बोलते हैं, जिसमें फूड रैप किया जाता है, आप उसको सुबह टाइट करके अपने पेट पे बांध लो और पूरे दिन बांधे रहो, वो पूरे दिन बंधा रहेगा आपके। तो और उसके नीचे आपको क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को स्लिम ऑयल आप लोगों के साथ शेयर किया था वो नीचे लगाओ, देन उसके बाद आप प्लास्टिक रैप बांधो या फिर बेल्ट बांधो, वो क्या करेगा वहाँ पे खूब हीट करेगा और आपका जो है पसीना निकलेगा और फैट बर्न होगा, इस तरह से जो जितनी फैट है वो वहाँ से निकलेगा। तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, मॉर्निंग ड्रिंक लेना है, दूसरी चीज़ बेल्ट वाला लेना है, और मतलब चाहे जो हम सिजेरियन वाले हों या फिर नॉर्मल वाले हों। पहले के लोग आपने देखा होगा कि जिन जो लोग बेल्ट नहीं जानते थे या फिर ये सब चीज़ें नहीं थी, वो अपनी साड़ी अपना दुपट्टा कस के बांधते थे जिससे कि पेट अंदर है, लेकिन हमारे पास ये सुविधाएँ हैं कि हम ये चीज़ें कर सकें। तो ये दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको खाने का थोड़ा सा देखना है। मैंने देखिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर वालों का जो है डाइट प्लान शेयर किया हुआ है, बस एक चीज़ डाइट प्लान में उस चीज़ में देखिएगा कि रात में आपको 8 बजे से पहले खाना खा ही लेना है, और चावल को पूरी तरह से स्किप कर दीजिए शुरुआत में लीजिए, क्योंकि शुरुआत में बच्चे की जरूरत होती है, तो वो 2-3 महीने करिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चावल को बंद कर दीजिए, मतलब कि राइस पूरी तरह से हटा दीजिए, 3 महीने तक आप चावल लीजिए, उसके बाद चावल वापस ले आके 8 बजे तक आपको अपना डिनर फिनिश करना है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि रात के 3 बजे तक आपको डिनर फिनिश करना है, और अपने खाने में से ज़्यादा हरीरा और सोट है वो यूज़ करिए, उससे भी बॉडी बहुत हीट करती है और फैट बहुत तेज़ी से बर्न होता है, आपका पेट का फैट है वो बहुत तेज़ी से गर्म मतलब कि गलता है। और चौथी चीज़, आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही करवानी है। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या है, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी निकलती है, आपका पेट अंदर जाता है। तो मतलब बॉटल हटा दीजिए, कोशिश करिए अगर आपको बॉटल लगानी है, आप वर्किंग हो तो पूरे दिन आप फीड करवाइए, दिन में एक बॉटल लगाइए ताकि बॉटल की जो आदत है वो बच्चे को छूटे नहीं और वो बॉटल भी करे। तो चौथी चीज़, आपको ब्रेस्ट फीड करवाना ही करवाना है। पांचवी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको 2 प्रोटीन एक साथ नहीं लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आप फिश और दाल एक साथ खा रहे हो तो मत करो ऐसा, बिकॉज ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और डाइजेस्ट करेगी तो वो जाके उसे फैट में कन्वर्ट कर देगी, आपकी बॉडी में चर्बी जमा देगी। तो कोशिश करके अगर आप दाल खा रहे हो तो दाल के साथ चावल लो, अगर आप फिश या कुछ और खा रहे हो तो उसके साथ, या ये मत करो कि आप दाल भी ले रहे हो अंडा भी ले रहे हो, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोटीन आपको लेना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, और पेट की हो सके तो मसाज करो, जो लोग मतलब कि जो सिजेरियन भी हैं वो भी धीरे धीरे से आफ्टर 6 मंथ आप धीरे धीरे मसाज करना स्टार्ट करो। और हाँ,
एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका बच्चा छोटा है और आप वो भी चाहता है कि वो घूमे, तो उसे आप कोशिश करके मॉर्निंग में आधा घंटा वॉक उसे भी करवाओ और इवनिंग में उसके साथ भी आप वॉक करो। तो एक घंटे की वॉक लेना स्टार्ट करो धीरे धीरे। तो इससे क्या है कि आपके पेट के पास की जितनी चर्बी है बहुत तेजी से पिघलना स्टार्ट होगी। ये सब चीजें मैंने ट्राई की, लेकिन 7 to 8 मंथ बाद जब मुझे समझ में आया कि वाकई में ये फैट जितनी फैट है ये नहीं जाएगा, और वो जादू की पोटली वाला भी मैंने 6 to 7 मंथ बाद ही स्टार्ट किया, और उस टाइम से मेरा जो फैट जाना स्टार्ट हुआ है आज तक मैं उसे रिड्यूस ही कर रही हूँ और पेट का फैट भी मेरा अब चला ही गया है। सो इस तरह से सारी चीज़ें आपको करनी है, मतलब कि बहुत इफेक्टिव है जो भी मैंने आपको बताया। और जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ नहीं करनी है, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखिए, और क्या चीज़ करनी है ये भी ध्यान रखिए। तो ये कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो मैं अपने नेक्स्ट बेबी में ट्राई करूँगी कि मेरा जो मैंने फर्स्ट बेबी में झेला है वो नेक्स्ट सेकंड बेबी में मुझे दिक्कत ना करे, या सेकंड बेबी मेरे पेट में उतना फैट ना चढ़े। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको भर भर के सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।